अरे भाई जी को कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है जी को। बात तो सुने, मिल सुनो तो, तू मर रहा क्यों? हमें जी हुए क्यों बता, तो परेशानी क्या? तेरे जक्कत घर वाली मकान जायदाद, चले दिक्कत क्या? क्यों मर रहा तू? मेरे पास पैसे नहीं है, ना पैसे देता। पैसे तुम्हारे पे भी नहीं है भाई, तो फिर मरण तो फिर यहाँ गया ना बंटो। तो ये कोई समाधान थोड़ा ही है? एक काम करिए, मेरे मरने के बाद मेरी घरवाली पर नजर रखिए, यार सूर्य गलत चलो। बकवास साला करो भाई। रुको रुको जी प्रधान जी, ये टाट पहले फंडे को आड़ी शो। अरे ऐसा मुझे मरण दो तम भले, कोई यो कोई बात है, महिला सोल्यूशन नहीं होता है चीज का, जीने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें। अच्छा बताओ मैं क्या करूं? कोई नहीं, पहले से कार्ड पे पैसे उठाए थे 2,00,000 रुपए, अब जब बारिश होने रही खेत में पानी नहीं आए। फिर भाई यू तो पूरे गांव में परेशानी, पानी तो हर किसान को चाह रहा, सोल्यूशन उसका हम करेंगे, लेकिन मरना नहीं सोल्यूशन है भाई मेरे। तो कर्जा कहाँ से तारू? कर्जा भी उतर जाएगा, 2 बीघे जमीन बेच ले। ना जमीन बेचना तो बढ़िया, मर जाना अच्छा। रुक जा भाई, इसे छोड़ पहले। पानी चाह रहा ना, हाँ इसकी सोल्यूशन सारे गाँव को प्रदान करेगा, जब तुमने जिम्मेदारी मुझे दे रखी। क्यों भाई? सही बात है भाई, महिला सोल्यूशन तो नहीं है। क्या करोगे तुम तो बताओ। भाई मेरी बात सुनो, मैं इस गांव का प्रधान हूँ, मैं थारे लिए हर 24 घंटे खड़ा, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं कलेक्टर के दोनों जाऊंगा बात कर। गांव में कुआ खुदवाओ, बताओ भाई इस जा रहे क्या कर सकूँ? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी रस्सी खुलवा दो फिर। हाँ खोल दो, चलो भाई चलो। सूर को मरण देखता आगे जो बचाता भी जा। चंगू प्रधान जिंदाबाद, चंगू प्रधान जिंदाबाद, चंगू प्रधान जिंदाबाद, चंगू प्रधान जिंदाबाद। चलो भाई चलो। चौधरन तू कहाँ चल रही है सुबह रही, ठेला लटका को पीछे? खम्बो के पुल पे जा रही कॉफी पीने। खम्बो के पुल पर 2 रुपए की चाय पीन? 2 रुपए की चाय तुम पीते होगे, मैं तो 150 वाली कॉफी पीऊंगी। बाद में जाइए बुरखी तार दे, मेरा सफेद वाला कुर्ता पजामा जैकेट दे, जरा मेरी कलेक्टर के साथ मीटिंग है। सफेद कुर्ता तो मेरा भाई पहन गया था, उसे एक मीटिंग में जाना था। तेरा भाई बहन की टोपी सारे कपड़े सुनो दे दिया, मैं हरे में कब तक जिंदगी गुजारू? एक कुर्ता सुहाया था वो भी अपने भाई को दे दिया। इसमें जिंदगी कट रही ना तो इसी में कटो, वरना दहेज का मुकदमा लगा के सारी जिंदगी के लिए अंदर करा दूंगी। जा बाबा जा, थारे तो यही दुनिया परेशान है, शहर वाले तो जाओ। मूड खराब है, तुम इसी में जाना पड़ेगा ना, ना तो लूंगी। बस भाई दुआ करता रहिए तू भी। बस तो फिर भाई, क्योंकि मेन काम तेरा ही। अच्छा जी भाई साहब, अच्छा जी भाई, भाई दुआ करियो। ठीक है। अच्छा जी भाई साहब, बस कलेक्टर हमारा गांव को पास कर दो कुआ, दुआ में याद रखियो भाई। ठीक है भाई, आज अदा का काम प्रधान दे। यार मेरी बात सुनो, 1 साल बाद इलेक्शन भी वोट मुझे ही देना, क्योंकि गांव के लिए इतनी मेहनत करा भाई, हक तो मेरा ही बनता है। 8 महीने बाद इलेक्शन है, इसी नाम पे एक नारा हो जाए, जंगू प्रधान जिंदाबाद। अच्छा परवेश भाई याद रखियो, ठीक है भाई? क्या ड्रामा कर रखा, जाओ चला जाए, नहीं हम चले जाएंगे क्या? मैं इतना बड़ा काम हूँ, जंगू प्रधान जंगू प्रधान, हम हरे वेश का मतलब यो नहीं है कि तू ही प्रधान बन सको। हम ही बनेंगे, हम ही गाँव की खुशहाली के लिए काम करे। क्यों भाई तेरी चल ली है तो साले, अगर मेरा बस चला ना कलेक्टर को कहेगा उसकी दूसरी भी टूटवाऊंगा। चलो भाई। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया है बढ़िया है। मैं सर तलहेड़ी का मौजूदा प्रधान हूँ सर। अच्छा, कुछ समस्याएं हैं मेरी सर, ये देख लीजिए। हमारे गांव में किसान फांसी लगा लगा के मर रहा सर, वहाँ एक कुएं की जरूरत है, अगर आप थोड़ा इस पे गौर फरमाएं तो किसानों की जान बच सकती है। कौन सा गांव बताया तुमने? तलेड़ी। एक सेकंड। तलहेड़ी में 2 बार टंकी लग गई, पिछली बार प्रधान कौन था? जी मैं ही था। तो 2 बार इसमें पिछली बार टंकी आ चुकी, इसका सारा पानी तूने पी लिया। सर टंकी तो आई हुई, वो तो गांव वालों के लिए है ना, जो घर में पानी पीते हैं, खेत में पानी चाह रहा सर। टंकी में तो पिसाब लिखड़ा होगा, उसमें तभी पानी लिखड़ा, उसमें तभी अजी मूठने आता वो तो पानी उसमें, लेकिन सर वो तो गाँव वालों के लिए है ना, अब खेत में पानी किस तरह जाएगा, उसके लिए तो सर कुआ ही चाहिएगा ना किसानों को। तो खेत में घड़े तो गिरो, भर भर को पानी आया भाई। अरे सर अगर घड़े तो पानी गिरेंगे तो कम से कम 5 साल में एक ही फसल होगी भाई। फिर कुआं तो 5 हो जाएगा, मेरी बात सुन ले, जो मोदी भी नहीं कर सकता ना वो नाला करता वो सिर्फ समझ कर, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। बताओ जी सर, बताओ क्या है? मुझे चाहना बकरा। हाँ? बकरा जी जी, हमारे गाँव में तो पूरा गाँव गरीब आदमी, कहाँ रुकवाएंगे हम बकरा, कुछ और बताओ।
तो फिर एक काम कर ले, मुझे बकरी दे दिए। बकरी का क्या करोगे जी? उसका दूध पीऊंगा। चलो जी, हम बकरे का इंतजाम कर देंगे, आप आ जाइए सर। ठीक है जी, टेंशन ना लो। कब आओगे आप? कल को आओगे। कल को तो इतवार है। इतवार ऑफिस मंगल की कोई छुट्टी नहीं है। मैं भ्रष्ट अधिकारी नहीं हूँ, समझ कर। मैं इतवार को भी अपना काम करता हूँ। आऊंगा तब इंतजाम करो। जय हिंद सर। ओ चिल्लू, तू ये लग रहा है लगना कलेक्टर पर अपना पानी पुनी सा पास करवा देगा गाँव के लिए। टांग तो पूरी नहीं है, पानी पूरा कहाँ तो करवा देगा वो। टाइम सुनो को क्यों नहीं समझाता गाँव वाले लोगों। अरे ज्यादा मान लो, ये तुम समझाओ ना। मेरी बात सुन लो, तुम उन फसा दिए गाँव वालो, समझ गया नहीं? अरे ऐसा है ना, गाँव वालों को भड़काओ ना। तुझे नहीं यकीन है तो घर चला जा अपने। मेरी बात सुन ले नेवले, इसका बढ़िया तू मरी जाते बात पर विश्वास करा ले। अरे करवा के लाओगा, हमें प्रधान पर विश्वास हो। देख लेंगे हम भी, जीप करवा लेगा। मैं एक बात बता रहा तुम्हें गाँव वालो, तुमने मुझे हरा करना बहुत बड़ी गलती कर दी भाइयों। वो भी एक माँ का, मैं भी एक ही माँ का, लेकिन भाई बहुत फर्क हो। बाबा अलग अलग हो। उसका जो बाबा ना नेवले, उसका बाबा हराम का था। मैं गया माँ पर, वो गया बाबा। मैंने उसे यूं निमटा दिया 18 साल की उम्र में। मुझे पता था मैं कहीं हराम का। तू इसीलिए तो कातिल का कहो, तुझे कातिल हो तू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वालेकुम सलाम। मुबारक हो, मुबारक होगा भाई काम। रुको, लेकिन एक दिक्कत हुई यार। दिक्कत? ओ आसिफ, जरा साला ये ठाको। ठीक है बाबा। तो रुक जा, झूठे रसलिया। मैंने यूं थोड़ा ही कहा भाई, काम नहीं बना। काम तो सारा बन गया, छोटी सी दिक्कत। दिक्कत यो भाई, जो कलेक्टर साहब है ना, उन्हें दावत चाहिए। अच्छा 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 भाई, दावत पानी का इंतजाम तो कर ही सको हमें। मैं पकवा लूंगा दाल। गधे के मूठ दाल भाई, दूसरे दिन खाओ तू मूंग मछली की दाल। कई कलेक्टर को भी मूंग मछली की दाल खुआ भाई। देखो कलेक्टर साहब को चाह रहा बकरा। ये बकरा बताओ किसके यहाँ गाँव में? बकरा तो थारे घर में, हकीम साहब का घर था छोटे भाई को। क्यों भाई हकीम साहब, तुम दे देगा दावत? मेरा दे मूठ, मैंने इतना डरता क्यों भाई? बिल्कुल। अरे पानी की जरूरत है, तुझे भी देता दावत। भाई मुझे नहीं पानी की जरूरत है, मुझे घर के लिए पानी चाह रहा था। बहू अपना लाठी फिरोगी, मैं तो छोटी जा रहा। सोदी क्या करने जा रहा तू? भाई प्रिंस सलमान नहीं आएगा, इन्हें बताता क्यों नहीं तू? मेरे को उसको ऑफर आ रहा, उसकी गाड़ी चलाया करूँ मैं यार। भाई हकीम साहब तो मना कर रहे। भाई शुअर बता लो ना, जो मर रहा था भूल गया भाई इसको बकरा। हाँ भाई नेवले जी रहेगा बकरा। हाँ है तो, लेकिन होता घरवाली का। तो कोई बात नहीं, घरवाली का क्यों, खेत नहीं है घरवाली का जिसके लिए पानी चाह रहा था तुझे। ठीक है, प्रधान जी दावत हम ही दे देंगे। कल को आ रहे कलेक्टर साहब? वो आ रहा भाई, कल को आवेगा वो। ठीक है भाई, तैयार रहियो। ठीक है, कल को आ जाइए भाई। ले रे कल्लू, ले। नेवले से भी ज्यादा प्यार है मुझे तेरे से। ओए होए 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 होए, प्यार चल रहा पूरा। आगे प्यार तो है ही, तुम्हारे से ज्यादा प्यार है मुझे इससे। क्या बात, कुछ आज तो ज्यादा ही प्यार बिखेरा जा रहा। हाँ और पता चलगा का मेहमान हो बकरा? मतलब मेहमान रह रहा हो आज, आज का मेहमान हो। क्यों, कहाँ जा रहा है? नन्नी के जा रहा अपनी। भाई जब फसल उगानी तो बकरे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कलेक्टर साहब को दावत चाह रही इसकी। जमीन में फसल नहीं हो रही। लेकिन बता रही, मैं पहले बता रही बकरे नहीं कटने का, चाहे मेरी जान चली जाए। अरे फसल सुअर की, बकरे तो 10 खरीद लेंगे फसल बेच को। सुअर जमीन रहे ना रहे, लेकिन बकरा यही रहेगा। कहा जा रहा है? मैं घास ले आया था, तेरा दिमाग सही नहीं आएगा। कहा ले जा? घास लेन थोड़ा जा रहा है इसलिए को, उसको तेरी माँ को निमटाऊंगा। क्यों? उसका बकरे को निकटन दे दी वहाँ। कलेक्टर साहब आओगे कल को, मैं दावत चाह रही बकरे की भाई। तो तू बकरा काट रहा क्यों? और क्या तू खाओगा बकरा? ना कलेक्टर को खाना, हमें कहा नसीब हो रहा। तो फिर मेरी बात सुन, ठीक है? हाँ ये बात बढ़िया है, कल की बात। तू नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, वो खाओगा बड़े मजे लेंगे। ठीक है ठीक है, कल खाओगा? कल को बट ठीक है, बकरा भी बच जाएगा और भाई कुआ भी कट जाएगा। ठीक है, ले रख दो जी। नहीं नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई कहानी हो गई ना? हाँ जी साहब, हो गई। चले जल्दी चले। अजी सर कहाँ चलना? कहाँ चलना वो बाद में, खिड़की खोल। तलहणी चलना आज, तलहणी। अच्छा जी ठीक।
यार आज तूने गाड़ी में अखबार नहीं डालना। अखबार वाला आया नहीं था जी सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात तो बता यार, इस चश्मे में मुझे अच्छा नहीं दिख रहा, वो काले वाला चश्मा कहाँ है मेरा? वो चश्मा जी मेरे पॉकेट में पड़ा जी। पॉकेट में पड़ा, उस पर रगड़े मारा था सलमान भाई तो नहीं आता, मैंने दबंग 3 खाता वो। अजी वो रगड़े लगने का उसके कवर में डाल रखा मैंने उसे। अच्छा, जैसा ही मैं वहाँ उतरूंगा ना गांव में जी, थोड़ी पर्सनैलिटी बन जाएगी, ये वाला तो सारा फर्जी लगता है, वो मेरे को एकदम दे देना, लगा के चलूंगा। ठीक है लाला। अरे यार ये तो वही लंगड़ा खड़ा है जो वहाँ ऑफिस में आता ब्रेक मार। चल उधर आओ खिड़की को। कलेक्टर साहब जिंदाबाद। कलेक्टर साहब जिंदाबाद। कलेक्टर साहब जिंदाबाद। चलो मेरा दिमाग खराब होगा, कलेक्टर साहब अंदर है मेरे, इनके गले में गेंद की माला। अजीब हो गया, मुझे पता नहीं था ला थोड़े गले में गेंद दूंगा तेरे में। अजीब तुझे पता नहीं था क्यों कह रहा है? लाला जी से पता नहीं था, छोटो छोटो गुस्सा ना करो। चलो गुस्सा ना करो, यहाँ क्यों खड़ा है तुम? अजीब पहले याद रहा था, चुप रहो। जो उठ रहा था मूड खराब कर रहा, कलेक्टर साहब का छतरी लाओगे आज के बाद साले। तुझे मैं बता रहा जुल भैया, मैं गाड़ी तो उतरूंगा, मैं तेरी खिड़की खोल लूंगा, दो तीन बार हो लिया करी, अब तू उतरो तेरो मारा गेर दो लोग। कलेक्टर साहब आगे पुलिया टूटी पड़ी, कार ही लगी रहने दो, पैदल चल लिया, आगे आओ आओ गरम ना हो। चलो कलेक्टर साहब जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद तो है बड़े मियां, इनको हो जाए, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, थारे काम आकर मेरा मूड खराब हो गया। अरे मूड ना खराब करो कलेक्टर साहब, मूड सही करने के लिए तो कुछ चाहना मुझे। आज हम देखे कलेक्टर को जाना, कलेक्टर जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद, गाँव वाले क्या सब जी सर योजना कलेक्टर। ओ चुप, तू धंधे ले रहा है हमारे काम में, हमारे आदमी फंसे खा खा के मर रहे, जो भाया छतरी लगा के यहाँ घंटा कौन मर रहा है? चाचा मर गया मारा। चुप चुप, ओ बाप लेके जा, सो लेके जा, सो नहीं कहा तो मर गया। अरे सर इसकी बात पे ना जाओ, इन नहीं तो आज पौवा मार रखा, ये कड़े हो इसको पहुंचे हैं कंधा पौवा और रखा था मम्मी मार। नहीं जी नहीं, वो तो वो भी किसी का ठाया था इनने सर। अच्छा इन बातों को छोड़ो, खेत पे चल ले, खेत देख लो। अरे खेत में बाद में जाएंगे, मुझे लग रही है ठंड, मेरी ठंड का इंतजाम करो। ठंड लग रही लाला जी, इतनी गर्मी हो रही, पसीने छू रहे। अरे होने दे गर्मी भाई, मुझे तो ठंड चढ़ रही है। चलो जी फिर ठंड का इंतजाम भी करो भाई, गांव वालों आग जलाओ कलेक्टर साहब के लिए। आग तो नहीं मेरा काम चलने का, और चाय बनवाओ ना। चाहे तो अपनी बहू को बुला ले थोड़ी देर। अजी मेरी तो बहू मरी हुई, किसी गलत बात कर रहे लाला जी, मरी हुई। चलो खेत में चल लो, खेत देख लो आओ। अरे खेत खेत तो कोई मतलब नहीं है मुझे, थाना 5 हो जाएगा, जो मैंने कहा था वो काम का इंतजाम है कहाँ? अजी तैयार हो तो बटाटा क्यों? आवाज बिल्कुल बढ़िया वाली पकवा रखी। चलो जी चलो आओ सर, आओ चलो 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 भाई। हाँ जरा देख लेते हैं अगर किसी। हाँ मैं देखता हूँ, देखता हूँ, छक्का देखता हूँ। गाँव वालों इंतजाम कलेक्टर साहब को चुकवा दो, गाँव वालों भाई काम हो जाएगा। ठीक है चलते रहो चलते रहो, चलो चलो चलिए सर। नहीं नहीं काली। अच्छा ले बाबा गोटी बाटी सब गिलास का। गिलास का क्या आग रखा जग में लगा पी ले। अगर गिलास पूछा था बाहर खड़ा रहिए, किसी को तो अंदर ना दीजिए। ठीक है ठीक है। हाथ तो धो लो। अरे हाथ तो साला भोंतनी के भैया क्या तरीका नहीं उले। अरे लाला जी जाकर था, मैंने उसे कहा था यहाँ नहीं है, नहीं तो फेंक दिया इसके। मैं आपको देख लूंगा मैं भी, शुरू करो लो मैं कार्ड को दे रहा हूँ। वैसे तू ना हाथ लगाओ टट्टी फिर का हाथ नहीं रोटा लाला जी नहीं लगाने दिया। अरे यहाँ नेवले वो मेरा बॉडी गार्ड होगा, उसे तो देख लो, उसे तो ले आया। अजी वो तो बाहर ही खड़ा, मैंने उसे कहा भी था मैं कहा चलो खाना खा लो, वो कह लगा भाई मैं तो शुद्ध शाकाहारी में चिकन विकन नहीं खाया करता। कौन कह रहा है? वो तो मेरी साथ दारू पी कर चिकन तोड़ो वो। मैं भाई होगा काम, कलेक्टर साहब खा रहे खाना की बेटे मेरा बाबा की हो मेहरबानी जो। ओ भाई बात सुन, बकरा में भी ला कर दे, हमें भी ला कर दे, थोड़ा सा बकरा में भी ला कर दे। बनाया भी नहीं अरे पहला हमें ला कर दे। तू यहाँ बैठ जा, समझ का नहीं हूँ ना, खाए तो ले रे भर तो ले। अरे तू पहला हमें ला कर दे, सो मेरा लिस्सा है का हट से ले गया।
अरे खट्टे तम हो कभी खाया अभी बकरा में हो रहा है आठवें दिन खाऊंगा हम तो। अजय कलेक्टर साहब बात ऐसी ना, बकरा था बकरा कभी मुर्गा नहीं खाया, इनको तो दाल भी पको तो उसमें पानी पानी हो, छंडी घुमा ले चलो अगर दाना का दाना निकल जा। हाँ यो तो है नेवड़ा भाई, बहु बहु कहाँ तेरी मर गई थी जी, मेरी मर गई थी हो, उसकी किस्मत में इनके 1500 रुपये है। मतलब जिनने इतना अच्छा खाना बनाया मैं कभी भाभी ने बनाया, 1500 रुपये इनाम दे देते। अजी हो मेरे लिए मरी, मतलब इस दावत का पहले मोहम्मद लड़ाई बजी थी तो मेरा अरसा मरना जीना खत्म हो गया था। ले आओ तो दूसरे कमरे में बिठा दे, मुका आ रहे लाला जी वहाँ देंगे। अजी वो जो है ना उनने मुझे कसम दी थी कि तू हराम का अगर मेरे साथ बोल लो, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा उसके साथ वाने के लिए। तेरा एक दाँत का हराम का हो जाएगा तू लाता हूँ सो। अरे खाओ कलेक्टर साहब खाओ, बोटी खाओ बोटी बकरे की। ओ बस तेरा बापा हमारा कुत्ता लेकर आओ कहा। हे बापा कुत्ते वाला आ ले जिसका कुत्ता काटा। क्या बांटने वाले भाई, तेरे कुत्ते ने काट लिया था, तूने बताया भी नहीं। अच्छा काट दे तो काट दे, तब खाना खाओ भाल अच्छे मौके पो। अरे इसको कुत्ते ने नहीं काटा, इन दो कुत्ता काटा। मतलब जो जो तुम खा रहे ना, जो कुत्ता काट को खुआया ना तुम। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, कमेंट शेयर करके बता दो। और वीडियो बहुत ही लेट आई यार जंगों की वजह से, क्योंकि इसका सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा भी, इसकी वजह से वीडियो लेट होगी। झूठ बोल रहा है गाइस, हमने बहुत सारी वीडियो स्टॉक इकट्ठा कर लिया है, बैक टू बैक हर हफ्ते वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा लो। और हमारा सॉन्ग आया है तेरे आली मेरे आली ट्यून बीच हरियाणवी पे, अभी ताजा ताजा सॉन्ग आया है तो देख लो जाके, यहाँ पे भी इधर भी बना रहा होगा कोने में, इधर भी टच करके देख लो, जाके टच करके भी देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे जाके आप लोग सर्च करके देख सकते हो ट्यून बीच हरियाणवी तेरे आली मेरे आली, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। आप लोग कमेंट करके बताओ सॉन्ग भी कैसा लगा आप लोगों को, और ये भी बता दो आप सब लोग कैसे हो। हाँ यार बहुत दिन में वीडियो आई ना, 15-20 दिन हो रहे ना सब। खैर अब पहले 8 दिन में आती थी वीडियो, 6 से 7 दिन में ही आएगी, एक दिन और कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे जंगू भाई ने बताया बहुत सारी वीडियो हमारे स्टॉक में आ चुकी हैं। यस, तो अब धकाधक वीडियो आऊंगी, और अगर मैं किसी को अच्छा लग रहा हूँ तो बताओ, तो रिश्ते के लिए कमेंट करें। लव यू। और फैला दो वीडियो को।